बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि सर मेरा वीडियो में रीच नहीं आ रहा है, दो तीन व्यू आ रहा है, दो तीन व्यू के बाद वो रुक जा रहा है, फिर उसके बाद व्यू नहीं आ रहा है। तो मैं बताता हूँ आपको क्यों व्यू नहीं आ रहा है, क्या गलती आप कर रहे हैं यूट्यूब में वीडियो अपलोड करने के टाइम में। तो फर्स्ट बात मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ, यूट्यूब में जब भी आप वीडियो अपलोड करें तो 3 से 5 बजे के अंदर, दोपहर 3 से 5 बजे के अंदर आप अपलोड कीजिए, तो आपका वीडियो में जहाँ 1-2 व्यू आ रहा था वह 200-300 में जा सकता है, क्योंकि इस टाइम में यूट्यूब पे वीडियो अपलोड सबसे कम होता है और रीच भी सबसे ज्यादा मिलता है इसी टाइम में। तो इस टाइम में आप अपलोड कीजिए, आपका वीडियो में देखिएगा व्यू आएगा। तो सेकंड पॉइंट मैं बताता हूँ कि वीडियो में व्यू आना क्यों रुक जाता है। देखिए जैसे आप कंटेंट एक बनाए तो आपको जो सब्सक्राइबर है वो सब्सक्राइबर को आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, अगर वो वीडियो देख के 2-3 सब्सक्राइबर ही अगर ये गलती कर दिया तो आपका वीडियो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। वीडियो को आधा देख के उसे कट कर देना, इससे कट करने से रीच डाउन हो जाता है चैनल, वीडियो रीच डाउन हो जाता है, फिर यूट्यूब उसको नहीं भेजता है आगे तक। तो फर्स्ट टारगेट रहता है 10% अगर वो वीडियो पूरा देख लेगा तो यूट्यूब और 10 को भेजेगा चैनल में, उसका फ्रेंड में, और 10 का फ्रंट में शो करेगा आपका वीडियो। पर अगर वही 10% अगर आपका चैनल में वीडियो टच करके ही डायरेक्ट कट कर देता है तो खत्म हो चुका है, वो वीडियो खत्म हो चुका है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें गलती किसका है, इसमें गलती यूट्यूब का है, आपका है, या सब्सक्राइबर का है? ऑब्वियसली इसमें गलती है सब्सक्राइबर्स का, क्योंकि वो लोग वीडियो देख के छोड़ देते हैं, आधा भी वीडियो नहीं देखते हैं, ऐसा करके वो लोग वीडियो का व्यू कम कर देते हैं, जिसके वजह से आपका मेहनत सारा सारा बेकार चला जाता है।